डियर फ्रेंड्स, बोधि संजीवन बोल रहा हूँ। चलिए, ये जो ब्लू क्रीपर मेरा गार्डन का गेट में आज खिला है, ये कितना शानदार फ्लावर आए हैं, देखिए बहुत अच्छा एक क्रीपर है। ये क्रीपर को आप ऐसा गेट में लगा सकते हैं, बरस में बार बार फ्लावर आते हैं। देखिए, ये नज़दीक से देखिए, बहुत शानदार, एकदम ब्लू फ्लावर, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ से ये ऊपर में उठा है और ये गेट के ऊपर इसको हम किए हैं, ये प्लांट को। चलिए, एक एक करके गार्डन का फ्लावरिंग और गार्डन का के ऊपर में दो चार बातें कर लेते हैं। आज लोटस थोड़ी कम खिला है, दो चार लोटस को देख लेंगे। देखिए ये जो बर्ड्स, कितना अच्छा लग रहा है ये सब बर्ड्स को, बहुत शानदार बर्ड्स आए हैं। और दो चार लोटस में जो हीट डोरमेंसी वो आ गया, बहुत गर्मी है, इसलिए हीट डोरमेंसी को ठीक करने के लिए वो ट्यूबर को थोड़ा उठा के फिर नया बिठाना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसा किए थे और ये देखिए, हीट डोरमेंसी ख़त्म होके ये फिर नया ग्रो कर रहे हैं। ये वाटर लिली को देखिए, वाटर लिली मेरे बहुत पसंद होता है। और ये जो माइक्रो लोटस में कितना बर्ड्स आए हैं, देखिए एक साथ कितना बर्ड्स, यहाँ पर 5 बर्ड्स एक साथ हम देख रहे हैं, ये देखिए। और ये देखिए लियांगली, ये माइक्रो लोटस बड़ा जगह में पड़ने का बाद कितना बड़ा फ्लावर हुआ है, देखिए। छोटा जगह में लियांगली को लगाएंगे तो बहुत छोटा फ्लावर होता है, लेकिन इसको जगह मिल जाए तो कितना बड़ा फ्लावर होता है, देखिए। इस वाटर लिली को देखिए, कितना शानदार। ये वाटर लिली में आप ज़रूर सी वीड दीजिएगा, सी वीड देने से बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। इसको देखिए, महीना में एक बार एनपीके खाद और सी वीड, और जो बेनिफिशियल फंगी के लिए आप इकोमैक्स जी जैसा माइक्रोराइजा मिलता है वो थोड़ा दे सकते हैं। मैं ये सी वीड को यूज़ कर रहे हैं, इसका ग्रैन्यूल्स देखिए, ब्लू कलर वाला ग्रैन्यूल्स। और सागरिका का जो सीवीड मिलता है वो काला ग्रैन्यूल्स होता है। जो भी कंपनी हो, आप सीवीड देंगे तो बहुत प्लांट न्यूट्रिएंट्स और जो हार्मोन सब प्लांट को मिल जाएगा। और ये है जो बेनिफिशियल फंगी है, जैसा नेचर में प्लांट जब बड़ा होते हैं, हम लोग तो नेचर का प्लांट को खाद नहीं देते, लेकिन वो इतना स्वस्थ और सुस्त कैसे रहते हैं, वो बेनिफिशियल फंगी से उसका खाना मिलता है। मिट्टी के अंदर में जो बेनिफिशियल फंगी है, वो मिट्टी के अंदर में जो जो खाना सब प्लांट को देते रहते हैं, और प्लांट भी वो फंगस को खाना देते हैं, दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। बहुत कंपनी का आपको माइक्रोराइजा मिल जाएंगे, और माइक्रोराइजा जब प्लांट में देना है आपको, उसके आगे और पीछे कोई केमिकल खाद मत देना। ये देखिए, ये है माइक्रोराइजा ब्लैक ग्रैन्यूल्स वाला, ज़रूर आप प्लांट का पॉट में इसको दे सकते हैं। प्लांट का पॉट में जब ये देंगे तो प्लांट का रूट सिस्टम स्ट्रांग होगा, और प्लांट का रूट और ये बेनिफिशियल फंगी दोनों
एक फ्रेंडशिप बना लेंगे। जो मिट्टी का अंदर में खाना है वो खाना दूर दूर से वो रूट तक पहुँच देते हैं। कोई कोई बेनिफिशियल फंगी रूट का अंदर में जाते हैं। जब हम कोई फंगस का नाम सुनते हैं प्लांट के बारे में, संग संग हम सोचते हैं कि फंगस को मार देना चाहिए, लेकिन ये आप आज देख लिए कि फंगस कितना ज़रूरी है। जो मिट्टी का अंदर में माइक्रोब्स फंगस सभी ठीक ठाक काम करे तब मिट्टी उर्वरा होता है, मिट्टी में जान आ जाता है। जैसा जब ये केमिकल खाद नहीं आए थे तब ये मिट्टी कितना जान उसमें था। एक 10 इंची पॉट में ये सी सीक्रेट आप आधा चम्मच दे सकते हैं और इकोमिक जी भी आधा चम्मच दे सकते हैं, लेकिन एक साथ मत दीजिएगा। जब इकोमैक्स जी जैसा माइक्रोराइजर है, ऐसा जो भी कंपनी का माइक्रोराइजर आपको देना है, तब एकदम आगे और पीछे कोई खाद मत देना। पहले उन मिट्टी में आप गोबर का खाद दे सकते हैं, ऑर्गेनिक खाद से प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अभी जो बाज़ार में ऑर्गेनिक खाद भी मिलता है उसमें भी केमिकल का मिलावट रहते हैं। जो प्रोडक्ट के बारे में आपका जानकारी नहीं है वो इकोमैक्स जी और माइक्रोराइजा देने का संग संग मत देना। सबसे अच्छा है कुछ नहीं देके आप माइक्रोराइजा को प्लांट का मिट्टी में देकर उसको गुड़ाई कर दीजिएगा। बारिश के बाद हार्ड प्रूनिंग होता है बोगनवेलिया का, लेकिन ये टहनाई को पहले ही छोटा कर दिए और मानसून के बाद में जो ज़रूरत पड़े उसको भी एक बार इसको प्रूनिंग करना पड़ेगा। और प्रूनिंग नहीं करेंगे तो अम्ब्रेला शेप भी नहीं आएगा और नया ब्रांचेस नहीं आएगा तो अच्छा फ्लावरिंग भी नहीं होगा। देखिए ये सब कितना शानदार हो रहा है। ये पर्पल स्टार बहुत अच्छा एक बोगनवेलिया वैरायटी है। थ्रू आउट द ईयर फ्लावरिंग आते हैं इसमें। ये पर्पल स्टार को देख लीजिए, कितना शानदार एक वैरायटी, डुअर वैरायटी और कलर भी बहुत अच्छा, बहुत शानदार कलर। और ये है स्प्लास वैरायटी, स्प्लास भी हाई ब्लूमर है, पूरा थ्रू आउट द ईयर फ्लावर आते हैं। ये चैनल में अलग अलग वैरायटी को अलग अलग करके हम दिखा रहे हैं, इसीलिए आप ज़रूर चैनल को फॉलो कीजिएगा। ये है स्वीट हार्ट, इसका ब्राक्ट देखिए। और आप तो देख ही लिया चिली, ये चिली रेड, ये भीरा, ये देखिए चिली ऑरेंज। चिली भी बहुत अच्छा एक हाई ब्लूमर वैरायटी है। और ये चिली योलो, और यहाँ पर आपको दिखाएंगे चिली आइसक्रीम। ये चार चिली वैरायटी को ज़रूर लगाइएगा। और बोगनवेलिया का ब्रिजा वैरायटी, ब्रिजा भी बहुत अच्छा है। सब अभी प्रून कर रहे हैं, बाद में जब अच्छा अच्छा फ्लावर आते रहेंगे तब आपको दिखाएंगे। ये तो अभी ख़त्म होने वाला है ये स्पाइडर, चलिए स्पाइडर को देख लेंगे। ये है स्पाइडर बोगनवेलिया, ये अभी एकदम ख़त्म होने वाला है, कुछ दिन बाद इसको प्रूनिंग करना पड़ेगा। देखिए ये अभी एकदम लास्ट स्टेज फ्लावरिंग का, बहुत दिन पहले खिला है, लॉन्ग लास्टिंग फ्लावर। जब फ्लावर आते हैं एकदम पूरा भर भर के फ्लावर आते हैं,
ये आप देख रहे हैं टिकोमा गाउडी चाउडी, देखिए टिकोमा गाउडी चाउडी कितना शानदार येलो फ्लावर। टिकोमा का यहाँ चारों वैरायटी है, ये देखिए टिकोमा ऑरेंज वैरायटी कितना शानदार फ्लावर आते रहते हैं, सारा बरस फ्लावर आते रहते हैं। यहाँ पर चार टिकोमा वैरायटी है, आप एक बार ये देखिए, ये ड्वार्फ टिकोमा येलो वैरायटी, ये है टिकोमा गाउडी चाउडी बड़ा वाला, बड़ा ट्रीज जैसा हो जाता है, ये एकदम पॉट में लगाने के लिए अच्छा वैरायटी है। इसको पत्ता देखिए एकदम अलग सा छोटा पत्ता है। और यहाँ पर और एक वैरायटी आपको देखने को मिलेंगे, ये भी बहुत सुंदर बहुत अच्छा फ्लावर है, देखिए इसको बहुत शानदार फ्लावर। ऐसा यहाँ पर चार वैरायटी आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ बोगनवेलिया है, ये थीमा बोगनवेलिया, देखिए इसका वेरीगेटेड लीव्स और साथ में जो ब्राक्ट है, कोई ब्राक्ट में वाइट, कोई ब्राक्ट में जैसा पिंक कलर। और ये देखिए अलग अलग बोगनवेलिया को लेकर प्रोग्राम करेंगे। ये शुभ्रा को देख लीजिए, शुभ्रा बहुत अच्छा एक पुराना वैरायटी, सारा बरस ऐसा वाइट फ्लावर आते रहते हैं और इतना शानदार वाइट जिसका कोई तुलना नहीं है। आज का ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। भगवान आपका सदा मंगल करे। प्रणाम।